नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज 6 नवंबर और 6 नवंबर के करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम उन प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो जो जागरूकता दिवस मनाया गया है ये 5 नवंबर को, यानी कि कल मनाया गया है। 5 नवंबर को ये मनाया गया है और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो ये जापान ने इसकी शुरुआत की थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की जो स्टार्टिंग हुई थी वो जापान से हुई थी। जापान से क्यों हुई थी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सुनामियाँ आती हैं वो सबसे ज़्यादा जापान में ही आती हैं, इसलिए जापान ने इसके स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला अतिथि का शुभारंभ किसने किया। तो अतिथि का जो शुभारंभ किया है वो किया है निर्मला सीतारमण ने। और ये जो है अतिथि है क्या, तो अतिथि जो एयरपोर्ट से, ये दोनों अतिथि दो प्रकार के हैं। एक तो है एयरपोर्ट के लिए जो कि अतिथि है, और दूसरा है बंदरगाह के लिए जो कि एसीडीएस है। अतिथि की स्पेलिंग है AATITHI। तो अतिथि की अतिथि एयरपोर्ट के, जो एयरपोर्ट से जो सामान आता है उस पर टैक्स लगाने के लिए है, जबकि जो एसीडीएस है ACEDASH ये बंदरगाह से जो सामान आता है उस पर टैक्स लगाने के लिए है। तो ये दो प्रकार के टैक्स लगाने के लिए निर्मला सीतारमण ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो ये नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है, और इसमें से 27 राज्यों के जनजाति के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमंत कथपालिया को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो इंसिडेंट बैंक का इनको MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, और इस जो ये इंसिडेंट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश NB बालसुब्रमण्यम का निधन हुआ है। वह किस बैंक के जो न्यायाधीश थे, तो थे मद्रास हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश NB बालसुब्रमण्यम का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है। तो रहा है रफेल नडाल रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे जो रहे हैं वो हैं नोवाक जोकोविच सेकंड नंबर पर हैं, और रफेल नडाल हैं ये फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला देश कौन बन जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो वृद्धि करने वाला देश है वो है गुयाना। गुयाना एक देश है जो कि सबसे तेज़ी से विकसित और डेवलप हो रहा है। सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाला देश गुयाना है। ये गुयाना आने वाले समय में 2020 में चाइना से भी ज़्यादा 14% तरक्की में आगे निकल जाएगा 2020 में। और इसकी जो गुयाना की बात करें तो गुयाना की कैपिटल है गेओटाउन इसकी कैपिटल है, और यहाँ करेंसी है गुयाना डॉलर यहाँ की करेंसी है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड ए गर्जर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब बात आती है आईएमएफ क्या है। तो आईएमएफ जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसके हेडक्वार्टर से बात करें तो यह है वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स है। और इसके जो एमडी हैं वो कौन हैं, तो क्रिस्टलियाना जोनवा इनके यहाँ के जो है एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा को इसका अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आर सी ई पी आर ई
सीईपी समझौते से बाहर हुआ है, तो आरसीईपी से जो देश बाहर हुआ है अपना देश भारत बाहर हुआ है, और ये जो है आरसीईपी है क्या, तो है आरसीईपी की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशनल कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये जो इसका समझौता हुआ था, इसकी जो मीटिंग हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी, और दिल्ली में, और इसका बाहर क्यों हुआ है भारत, तो जो दिल्ली के समझौते, मतलब दिल्ली में जो क्राइम चल रहा है उसमें पूरी तरह से न, मतलब जो क्राइम है उसको, उस पर कंट्रोल न कर पाने के कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे बाहर होने की घोषणा कर दी है, तो आरईसीपी से भारत देश बाहर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द फॉर फील्ड नामक उपन्यास जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है, जो जीता है इसके लेखक कौन है। ये जो है द फॉर फील्ड, ये एक उपन्यास है जिसने जेबीसी पुरस्कार जीता है, इस उपन्यास ने, इसके लेखक जो लेखक हैं वो कौन है, तो हैं माधुरी विजय इसके लेखक हैं। और जेसीबी की पुरस्कार की बात करें तो इसमें 25 लाख का कैश और इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये भारत का सबसे महंगा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर पंजाब सरकार ने जारी किया है, पंजाब सरकार ने, बात पंजाब की आई है तो पंजाब की कैपिटल क्या है, वो है चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन हैं, यह अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो इनके गवर्नर यहाँ के हैं वीपी सिंह बदनौर, यहाँ के गवर्नर हैं पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता किसने की है, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की है। तो उसमें बात कल की वीडियो की करें लास्ट क्वेश्चन की, तो जो कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वो है, हाल ही में किस देश ने रग्बी विश्व कप जीता था, तो रग्बी जो विश्व कप जीता था वो जीता था दक्षिण अफ्रीका ने। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जापान, भारत, अमेरिका या जर्मनी, इसमें से सही जवाब क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।